झांसी रेलवे पुलिस ने एक नव युवक को मासूम बालिका से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि बुधवार को सुबह एक बालिका अपने छोटे भाई के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के मध्य रेलवे पुल पर रक्तरंजित अवस्था में मिली, जिसे लेकर अनहोनी की आशंका व्यक्त की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक रेलवे झांसी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से जांच की गई, जिसमें पाया गया कि मासूम बालिका के साथ आरोपी जीतू पुत्र ओंकार ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की है, जिसे दो लोगों ने बचाया था। सभी फुटेज को लगभग 12 घंटे का फुटेज जो है वो हम लोगों ने सर्च किया, उसमें देखा तो उसमें हमने ये पाया कि बच्ची जो है वो लगभग 3 बजे से लेकर के 8:30 बजे के आसपास तक वो जो प्लेटफॉर्म का जो FOB है जो ऊपर बना हुआ है वहाँ पे वो और उसका भाई दोनों लोग सोए हुए थे प्रॉपर, और उसमें बीच में जो है उसको पेट में कुछ दर्द भी हो रहा था इस टाइप से जो है, और वो जो फुटेज है उसमें दिख रहा है। फिर उससे बात जो हुई तो उसमें जो ब्लड जो आया हुआ था तो वो जो बच्ची का मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो था उसकी वजह से इतना सारा ब्लड जो है वो वहाँ पर बिखरा हुआ था। इसमें जो है अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है और बच्ची का मेडिकल जो है वो करवाया गया है और इसको अभियुक्त को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें पब्लिक ने एक बड़ी घटना होने से बचाया, जिसमें उनको वो लोग जो है प्रशंसा के पात्र हैं और उनको हमारे द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा।